राम भजन करने के लिए जो अत्यंत गूढ़ रहस्य है, मतलब हरि नाम हमें कैसे करनी चाहिए। हरि नाम तो करते हैं, लेकिन हरि नाम का जो फल है, हरि नाम करने का जो फल हमें क्यों नहीं मिलता है, इसलिए फिर हमें हरि नाम कैसे करनी चाहिए, फिर हरि नाम का फल हमें प्राप्त होगा, इसी विषय पर हम लोग श्रवण कर रहे थे। इसमें ये प्रभुपाद का तीसरा नंबर उपदेश था, कहते पांच तरह का भक्ति है जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं, जैसे मथुरावास, श्रीमूर्ति का श्रद्धा पूर्वक सेवा करना, साधु संग, भागवत श्रवण और नाम संकीर्तन। कहते ये पंच अंगों में कोई भी एक अंग को अगर हम श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक अंग को करते कर देते ना थोड़ी सी, तो तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि जितने सारे अंग है भगवान के नाम को साथ में सारे अंग करनी चाहिए, भगवत नाम को साथ में। जैसे वृंदावन आए हम लोग, वृंदावन आए, अगर केवल वृंदावन में आए केवल घूमे इधर उधर, अगर भगवान का नाम कीर्तन नहीं कैसे फिर बेकार है। इसलिए वृंदावन धाम में रहो, भगवान का नाम करते हुए रहनी चाहिए। ठाकुर को जैसे सेवा पूजा करते हैं, ठाकुर जी को ठाकुर का सेवा पूजा करो लेकिन भगवान का नाम के साथ हो, साधु संग करो लेकिन भगवान का नाम को साथ में। इसलिए भागवत श्रवण करो, भागवत का मूल ही भगवान का नाम है, इसलिए भागवत को एक अलग नाम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया। भागवत का एक नाम नाम पुराण, मतलब भागवत ग्रंथ में नाम की महिमा जितने दी गई और किसी पुराण में नाम की महिमा इतने बताई नहीं है। इसलिए हर चीज भगवत नाम के साथ में हमें जोड़ करके करनी चाहिए, जोड़ करके करनी चाहिए। इसलिए ये प्रभुपाद का ये तीसरा नंबर उपदेश है। हाँ, कहते जो चौथा नंबर उपदेश है, कहते भगवान का नाम कैसे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। कहते भगवान का नाम करो लेकिन ठाकुर को सेवा करते हुए नाम करो। हाँ, जैसे बद्धावस्था में अगर कोई बोलेगा, महाप्रभु ने बताया जब तक कोई एक लाख हरि नाम नहीं ग्रहण करता है ठाकुर जी उसका हाथ का खाना नहीं खाते, खाना नहीं खाते। अगर कोई बोले हर एक लाख हरि नाम करने से 7 घंटा लगेगा, अभी कुछ सेवा वेवा नहीं करे माला लेकर बैठी है, बोले महाप्रभु बोले एक लाख जब तक हरि नाम नहीं करेगा कोई ठाकुर ग्रहण नहीं करेगा, इसलिए हमें ठाकुर का सेवा वेवा हम कुछ नहीं करेंगे, बस दिन भर माला लेकर बैठ जाएंगे। अगर कोई बोले अभी हम अनर्थग्रस्त जीव है, हमारे अनर्थग्रस्त जीव है, इसलिए 10 तरह का नामापराध में एक नामापराध है हरि नाम करते समय और कोई दूसरी चिंता करना, एक नाम अपराध है। इसलिए नियम है हरि नाम करते समय केवल हरि नाम को ही चिंतन करनी चाहिए और किसी चीज को नहीं, केवल हरि नाम को प्रभोग करना चाहिए। हैं, लेकिन हम तो बद्ध जीव है, अभी जिंदगी भर जो रील में जो भरा हुआ तो वही निकलेगा ना, जिंदगी भर तो कीचड़ को भर दिए थे, जिंदगी भर हमने कीचड़ कीचड़ भर के रखा। जब माला करने के लिए बैठेंगे, बेटा बेटी नाती पोती दुनियादारी काम धाम, देखना नाम तो इधर करते हैं लेकिन नाम करते समय हमारा दिमाग इधर 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 उधर चीज में हमारी, तब कहते फिर क्या हुआ, बोले नाम अपराध हो गया, नाम अपराध हो गया। इसलिए प्रभुपाद कहते नाम कैसे करनी चाहिए, पहले ठाकुर को सेवा करते हुए हरि नाम करो, हाथों में ठाकुर को सेवा करो, माला में तो कुछ फिक्स राउंड करनी चाहिए, उसको साथ साथ में हाथों में सेवा करो। जैसे गोपियां हाथों में कृष्ण सेवा करती थी और मुंह में भगवान का नाम लेती थी, भगवान का नाम लेती थी। अगर ठाकुर को सेवा करते हुए नाम करोगे ना, उसमें प्रभुपाद कहते हैं उसमें ज्यादा फल है, उसमें ज्यादा फल है। अगर हरि नाम करते हुए अगर उधर बैठ जाओ उधर, इसलिए अगर हरि नाम करते हुए सेवा करते हुए अगर इधर
इसलिए कहते हाथों में सेवा करते हुए अगर भगवान का नाम करेंगे ना, अब देखना जैसे सवेरे ठाकुर को जगाना, ठाकुर को भोग लगाना, ठाकुर को मंदिर साफ करना, ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाना, अगर अब देखना सेवा करते हो, दिन भर ठाकुर को सेवा करते हो अगर हरिनाम करते ना, अब देखना जब हरिनाम करोगे आपको क्या याद आए, अरे अभी ठाकुर को तो जगाना है, ठाकुर को तो अभी बाल्य भोग लगाना, ठाकुर जी को अभी ठाकुर जी को बाल्य भोग के लिए कोई मीठा है कि नहीं, ठाकुर के लिए बाल्य भोग कुछ मीठा है कि नहीं, अब मन क्या सोचेगा ठाकुर के सेवा के लिए कुछ मीठा है कि नहीं। फिर शाम को भोग लगाना, क्या लगाना, बोले फल भोग लगाना, अभी हरि नाम करे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम, लेकिन दिमाग में क्या है अभी ठाकुर को भोग लगाने के लिए शाम के लिए कुछ फल है कि नहीं, फिर ठाकुर के लिए फल लाना पड़ेगा ना, ठाकुर जी का भी फल है, हरि नाम करते हो हरे कृष्ण अरे दोपहर में ठाकुर जी के लिए दोपहर के लिए साग सब्जी है कि नहीं, क्या क्या टुकड़े, अब देखना जब हरिनाम करोगे ना आपका क्या होगा, ठाकुर को सेवा को भी सोच रहे हो, किसके लिए सोच रहे हो, ठाकुर को क्या भोग लगेगी, ठाकुर जी को क्या भोग लगी, इसको साथ में तो हरिनाम कर रहे हो लेकिन उसको साथ साथ में कहते उसको साथ साथ में फिर क्या चिंता कर रहे हो, साथ साथ में तुम वहीं बैठो ना, वहीं बैठो, ये उधर बैठे हरे कृष्ण सिटी है, कहते ये ठाकुर जी को सेवा को साथ में क्या होगा, ठाकुर को सेवा का भी चिंतन कर रहे हो और हरिनाम भी चिंतन कर रहे हो, आपका डबल लाभ होगा। लेकिन केवल अनर्थ अवस्था में कोई सोचे केवल हरिनाम केवल करेंगे कभी कभी कठिन होता है। इसलिए जिस समय श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जब वो रहते थे कहाँ पर, सूर्य कुंड में, कुछ लोग आए भजन करने के लिए, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज महाराज वो सिद्ध बाबा है, सबका मन की बात जानते, अभी उन्होंने सोचा हम तो केवल हरिनाम करेंगे, सेवा सेवा ठाकुर को कुछ सेवा सेवा नहीं करेंगे, केवल हरिनाम करेंगे और सेवा सेवा हम कुछ नहीं करेंगे हैं, और अष्टकालीय लीला को हम चिंतन करेंगे, कृष्ण कैसे सबरे को चारण के लिए जाते हैं, कैसे कृष्ण राधा रानी को साथ में मिलते हैं, कैसे कृष्ण, तब उन्होंने माला लेकर के ना घर छोड़ करके आए और सीधा चुटकी लेकर के माला लेकर बैठ गए हरिनाम करते बैठ गए। लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी सिद्ध महात्मा वो सब जानते, सबका मन की बात जानते, बोले ये तो उन्होंने अभी सारा जीवन तो घर गृहस्थी किया, अभी इसको छोड़ करके आया भजने के लिए, अभी जो माला जप करके क्या सोचोगे, जिंदगी भर जो किया वही तो सोचोगे ना, मेरी पत्नी कैसे, मेरे बच्चे कैसे, क्या कर रहे, घर में हमने किया क्या नहीं किया, वही तो चिंतन करोगे, माला तो लेकर बैठ ही गए, लेकिन तुम सोच रहे हो सारे दुनिया संसार की बात सोच रहे हो दिमाग में, अरे इधर हाथ भी चल रहा है मुंह भी चल रहा है, पर क्या हो गया, ये नाम अपराध हो गया। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा देखो अभी अभी तुम नए आए हो, अभी संस्कार है नहीं तुम्हारे, भजन करने के लिए आए हो, संस्कार ही नहीं, जब तक संस्कार नहीं बनेगा ना तब तक तुम्हारे भजन में भी शुद्ध भजन नहीं होगा। इसलिए बोले सत्संग प्राप्त पूर्वी सुकृत पूर्व संचित, कहते पूर्व पूर्व जन्म का संस्कार से सुकृत से फिर तो साधु संग मिलता है, फिर साधु संग से कथा सुनते धीरे धीरे संस्कार बढ़ते रहेगा, फिर भजन पर होते रहेगा। इसलिए अभी तो संस्कार भी ही नहीं हो और तुम माला लेकर दिन भर बैठी गई, माला लेकर हम अष्टकालीय लीला चिंतन करेंगे, बोले अष्टकालीय राधा कृष्ण की अष्टकालीय लीला चिंतन नहीं होगा, अपना अष्टकालीय लीला सोचो, तुम अपना जीवन का जो 8 पीढ़ी में तुमने किया ना वही चिंतन आएगा। इसलिए जा खेती में ठाकुर जी के लिए फूल लगाओ, ठाकुर जी के लिए साग सब्जी लगाओ, फिर क्या होगा वो चीज ठाकुर के सेवा में लगेगा, उसके बाद में फिर वैष्णव लोग प्रसाद पाएंगे, फिर क्या होगा उसमें तुम्हारी सुकृति बनेगी, जब तुम्हारी सुकृति बनेगी, जब सुकृति तुम्हारी पुष्ट होगी, फिर भगवान की सेवा करते करते फिर क्या होगा, माला लेकर के थोड़ी समय भी बैठोगे ना हरिनाम करके, फिर तुम्हारे चिंतन क्या होगा, भगवान की सेवा की चिंतन करोगे, ठाकुर जी की सेवा की चिंतन करोगे, नहीं तो माया की चिंतन होगा। इसलिए हमारे मेरे गुरु जी के मठ में सेवा को ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है, मेरे गुरु जी के मठ में मेरे जो गुरुदेव कहते थे देखो हम लोग संस्कार विहीन लगते,
इसलिए ठाकुर को सुंदर फूल माला की बना के ठाकुर को पहनाओ, ठाकुर के लिए सुंदर प्रसाद बनाओ, ठाकुर जी के लिए सुंदर फूलों की माला बनाओ, ठाकुर का मंदिर श्रृंगार करो, सेवा करोगे ना फिर क्या होगा, ठाकुर को सेवा करोगे तो तुम्हारा संस्कार बनेगी, संस्कार बनेगी। अगर थोड़ी समय माला लेकर बैठोगे ना फिर ठाकुर को सेवा की चिंता करोगे, अभी ठाकुर को कैसे श्रृंगार करना, कैसे फूलों की माला बनाना, ठाकुर को फिर क्या होगा, हरिनाम भी होगा और ठाकुर को सेवा की चिंतन होगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद यहाँ पर कहते सेवा को साथ में हरिनाम करो, सेवा को साथ में हरिनाम करोगे फिर तुम्हारी सेवा की चिंता भी होगा, ठाकुर का हरिनाम करते करते सेवा। एक तुम अगर सेवा विवाह छोड़ दोगे सबके साथ, अब पूरा नाम लेकर बैठ करके हरिनाम करोगे तो पहले तुम्हारी स्थिति नहीं है, नाम ही साक्षात कृष्ण है, कहते अभिर्नात्वात नाम नहीं, नाम और भगवान अभिन्न है, अभी हमारी ये बुद्धि है ही नहीं, हमारी ये बुद्धि नहीं है, इसलिए हरिनाम करते समय फिर हमारा मन क्या होता है, फिर उधर उधर भटकता है, माला तो करते उधर उधर भटकता है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हरिनाम करो, लेकिन ठाकुर को सेवा को साथ में अगर हरिनाम करोगे फिर तुम्हारी डबल लाभ है। इसलिए मैंने जो पहले पहले आया मंदिर में तब एक दिन मैंने कथा सुन ली, हमारे सागर महाराज कथा करते महाप्रभु कहते हैं जो 100,000 हरिनाम ग्रहण नहीं करते हैं ठाकुर जी उसका हाथ का खाना ही नहीं खाते। मैंने सुना भैया फिर तो 100,000 हरिनाम करनी चाहिए, अभी 100,000 हरिनाम करने के लिए लगे 6-7 घंटा लगे, लेकिन हमारे गुरु जी में अतमी ज्यादा सेवा का प्रकाश, गुरुदेव ने सबसे ज्यादा सेवा के प्रकाश कर गए, इसलिए मैंने सोचा फिर तो माला लेकर के 1,00,000 पूरा 6-7 घंटा लगे, 7 घंटे फिर जब मेरे माला लेकर करे फिर इन्हें सागर महाराज फिर हमें समझाए, बोले नहीं अभी हमारे जो नाम है वो नाम तो कर रहे हैं लेकिन इसमें ज़्यादा नामा अपराध हो जाता है, क्यों अभी माला लेकर लेकर बैठ गया लेकिन तुम्हारे दिमाग कहाँ पर है, ये चीज़ को देखो तुम्हारे मन कहाँ पर है, मन तो तुम्हारे संसार में ना विषय में ना जो करके आए वही चीज़ तो कर रहा है ना, चिंतन कर रहे हो संसार की और माला लेकर बैठ गए फिर कैसे होगा, फिर नामा अपराध हो जाएगा। इसलिए सेवा करते हुए हाथों में सेवा करो और मुंह में ठाकुर जी की नाम करो, उसमें ज्यादा लाभ डबल लाभ, ठाकुर की सेवा भी हो जाएगा और हरिनाम हरिनाम भी हो जाएगा, दोनों लाभ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं ये इनका चौथा नंबर उपदेश, सर्वदाई सेवा करिबेन वो मुखे हरिनाम करिबेन, कथा समय ठाकुर को सेवा भी करना और हरिनाम भी, हाथ में सेवा करो मुंह में नाम करो, लेकिन माला में कुछ फिक्स नंबर रखनी चाहिए, माला में जो नाम इतना जो फिक्स नंबर उसको रख करके दूसरे समय में क्या करो सेवा भी करो और भगवान के नाम करो, उसमें दोनों तुम्हारी लाभ है। इसलिए बताए सेवन मुखे जिहा दो स्वयं मेव स्फुरत, जब तुम्हारी वृत्ति सेवन मुखी वृत्ति होगी, सेवा करने की जब वृत्ति होगी कहते नाम स्वयं तुम्हारी जिहा पर ठाकुर जी का नाम स्वयं प्रकट हो जाएगा, स्वयं प्रकट हो जाएगा। इसलिए कहते दोनों करनी चाहिए, ठाकुर की सेवा और ठाकुर जी की नाम दोनों करनी चाहिए। इनका पंचम नंबर जो उपदेश है कहते परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम यह ही गौड़ीय मठेर एकमात्र उपास्य, कहते गौड़ीय मठ का उपास्य कौन है, गौड़ीय मठ का उपासना का विषय क्या, बोले परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कहते भगवान का जो संकीर्तन यही संकीर्तन ही परम विजय ते, बोले सर्वोत्त रूप में भगवान का नाम का ही जय जयकार हो, इसलिए बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, कहते यही गौड़ीय मठ का एकमात्र उपास्य है, उपास्य मतलब उपासना है, गौड़ीय मठ का केवल यही उसका उपासना है, केवल यही उपासना है, क्योंकि कहते जो हरिनाम है, कहते जो हरिनाम है, कहते हरिनाम क्या है, स्वयं कृष्ण है, इसलिए बना कलियुग के नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान कलियुग में अपना नाम रूप में कृष्ण कलियुग में आए हैं, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु विशेष करके उन्होंने दो उपदेश दिया है, बोले नाम वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण, महाप्रभु कहते दो काम करो, क्या करो, एक तो वैष्णव का सेवा करो और उसको साथ साथ में हरि हरिनाम कीर्तन करो,
महाप्रभु कहते अगर ये दो काम किया ना, वैष्णव का सेवा, गुरु जी की सेवा और उसको साथ साथ में नाम संकीर्तन, अगर ये दो काम कर लिया ना, बस इसी दो काम से ही तुम्हें कृष्णा प्राप्ति हो जाएगी है। इसलिए इसलिए महाप्रभु जी समय गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे। अभी कुछ वैष्णव लोग तो मन लगा करके मंदिर को साफ कर रहे थे सुंदर रूप में, लेकिन कुछ थे ऐसे जो काम चोर है, जो सेवा ठीक से नहीं कर रहे थे। अभी जो सेवा बढ़िया से कर रहे थे, महाप्रभु बोले देखो तुम ही भालो करिया जो सिखाए अपरे, तुम तो बहुत अच्छे तरह से सेवा कर रहे हो और क्या करो दूसरों को भी सिखाओ, तुम अच्छे कर रहे हो दूसरों को सिखाओ। और जो ठीक से मंदिर साफ नहीं कर रहे थे ना, महाप्रभु बोले तुमको दंड मिलेगा। बोले क्या दंड? और ये सारे वैष्णव का सेवा। इसलिए कहते भक्ति जगत में दंड भी बहुत बढ़िया चीज है। क्या है दंड भी? प्रसाद सेवा। बढ़िया भक्तों को प्रसाद सेवा करो। भक्ति चीज में ना हर चीज मिठाई मिठाई, भक्ति में है, भक्ति चीज में हर चीज अच्छा ही है। इसमें भगवान का नाम भी मीठा है, भगवान के प्रसाद भी मीठा है, कीर्तन भी मीठा है, नाचना भी मीठा है। इसलिए भक्ति जगत में हर चीज मिठाई मीठा, इसमें कोई कड़वी चीज है ही नहीं, सब इसमें मिठाई मीठा है। इसलिए भक्ति जगत में दंड भी क्या है? बढ़िया बढ़िया प्रसाद, भक्तों की सेवा कर, प्रसाद बढ़िया बढ़िया प्रसाद पाओ, है दंड भी। इसलिए क्या दंड है? जो हरिनाम, जो बढ़िया से हरिनाम कर रहे हैं, महाप्रभु उनको क्या उपदेश दिए? बोले तुम ही भालो करिए अच्छा और सिखाए अपरे। तुम बढ़िया से तुम मंदिर साफ कर रहे हो, इसलिए भैया दूसरों को भी शिक्षा दो, तुम भी ऐसे साफ करो। तो प्रभुपाद कहते हैं भैया इसका मतलब क्या है? तुम ही भालो करिए अच्छा सिखाए अपरे, मतलब तुम अच्छे तरह से मंदिर साफ कर रहे हो दूसरों को सिखाओ। मतलब है बोले कौन सा मंदिर है? बोले हृदय मंदिर। ये कौन सा मंदिर? हृदय मंदिर। तुमने अपना हृदय रूपी मंदिर को बढ़िया से तुमने साफ किया, मतलब तुमने अच्छे तरह से भजन साधन किया हो, अच्छे तरह से दिल को तुमने साफ किया हो। इसलिए क्या करो? दूसरों को भी सिखा दो भाई तुम भी क्या करो, अपना हृदय रूपी मंदिर को तुम भी साफ करो, तुम भी हृदय रूपी मंदिर को साफ करो। मतलब दूसरों को भी सिखा दो, तुम भी भगवान की नाम लग जप करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भजन करो, ये चीज दूसरों को सिखा दो। अभी जो ठीक ठीक से नहीं कर पाए, मंदिर को साफ नहीं करना है ठीक से, तो उनको क्या बोले? बोले तुम्हारे लिए फल दंड है वैष्णव का सेवा, वैष्णव का सेवा। तो प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, जब तक वैष्णव का सेवा नहीं करोगे ना, तब तक हमारी संस्कार नहीं बनता। अब कभी कभी बता ना, पिछले भक्ति वेदांत स्वामी महाराज कहते थे काय मन और वाक्य, तन मन और धन, ये तीनों सेवा सेवा करो। सबसे पहले स्वामी महाराज ने बताए पहले तन से सेवा करो, अपना शरीर से सेवा करो, उसके बाद में पहले मन से सेवा करो, तन से और मन से। अगर ये तन मन से नहीं हो पाए ना, पहले कम से धन से सेवा करो। बोले क्यों? क्यों कहते जो बद्ध जीव जैसे हम काम करते हैं, है काम करते हैं, तो अपने 10-10 घंटा काम करते हैं तभी तो पैसा आता है ना, पैसा तो ऐसे नहीं आ जाती है। इसलिए अपने एनर्जी कहाँ लगाया? बोले काम में लगाया, एनर्जी तुम्हारे काम में लग गई, वो काम को द्वारा तुमने क्या की? पैसा मिला, तुम्हारी एनर्जी पैसा में लगा। जब वो पैसा ठाकुर को सेवा में, कुछ भक्तों को सेवा में वो पैसा लगेगा, फिर क्या होगा? एनर्जी तुमने कहाँ लगाई थी? काम में, पैसा लगाने में। वो पैसा भी कहाँ लग रहा है? ठाकुर की सेवा में और भक्तों सेवा में लग रहा है, भक्त सेवा में लग रहा है। जब लगेगा बस क्या होगा, उससे तुम्हारी संस्कार बनेगी, उसमें तुम्हारी संस्कार बनेगी। फिर वो संस्कार बनेगा ना, फिर जा करके तुम्हारी भजन में, जा करके फिर भजन में तुम्हारी रुचि होगी। इसलिए जब तक संस्कार नहीं बनेगा ना, कुछ रहने वाले। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे, मेरे गुरुदेव कहते थे भैया सबसे पहले संस्कार, संस्कार बनाओ। देखो हम तो बहुत हरि कथा सुनते हैं, रुचि निष्ठा आसक्ति भाव प्रेम, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, जहाँ के तहाँ पड़े हुए, जहाँ के तहाँ हम पड़े हुए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो प्रभुपाद ने एक सुंदर कहानी सुनाई, प्रभुपाद ने सुंदर कहानी सुनाई। बोले एक समय एक बेटी की शादी होने के लिए, एक बेटी की शादी होगी, एक नदी है बहुत बड़ी नदी है, उस पार में वो बेटी की शादी होगी।
है शादी हो गई। अगर आज शाम को अगर आप नाव में बैठोगे, आप अगर नाव को चलाओगे हैं, फिर तो किसी तरह से सवेरे जा करके पहुंचोगे कहां पर, उस बार में पहुंचोगे। और दूसरे दिन ही बेटी की शादी, अभी यहाँ पर पूरा नाव बड़ी बड़ी होती थी, नाव में सबके सब बैठ गए, जितने बराती सबके सब बैठ गए, और दुल्हन भी लड़की भी बैठी गई, लड़की को लेकर लड़का को घर में जाना पड़ेगा, शादी हो ही होगी। अभी वहाँ पर बड़े बड़े नाव में छोटी छोटी कुटिया भी होती है, हैं छोटी छोटी, उसमें देखना घर भी होती है बड़े बड़े नाव में, उसके अंदर में सबके सब सो गए, सो गए। और जो चार एक साथ में बड़ी नौका चार जो केवट जो नाव चलाते हैं, उन्होंने रात भर उन्होंने नाव चलाया, लेकिन नाव चलाने से पहले उन्होंने थोड़ा भांग ले लिया, क्योंकि रात भर चलाना पड़ेगा नाव, थोड़ी सी गोला ले लिया, भांग ले लिया, बस भांग ले करके उन्होंने क्या किया, चार व्यक्ति एकदम शाम को शुरू कर दिया नाव चलाना। जब नाव चलाना शुरू कर दिया, अभी रात भर हैं, रात भर वो चला रही, लेकिन जब सवेरे हुई ना, नींद खुली, जब नींद खुली बोले भैया उस पार पहुंचेगी कि नहीं, जब कुछ नींद खुली देखा जहां पर नाव वहीं पर, जहां पर नाव वहीं पर, नाव वहीं पर घूम रही थी, उनको ये लग रहा था जैसे नाव चल रहा है, नाव चल नहीं रही थी, वो नाव वहीं पर घूम रही थी नाव। सवेर देखा नाव जहाँ के तहा, बोले भैया वही नारिकल पेड़, यही बरगद का पेड़, वही कटहल का पेड़, तो वहीं पर है। बोले ऐसे कैसे हो गया, नाव वालों को पूछा भैया क्या चक्कर है, नाव चला नहीं, बोले देखो सारा शरीर से पसीना पसीना तरबर हो गए, बोले नाव चलाया नहीं किसी, देखो पूरा पसीना पसीना तरबर हो गए। फिर उन्होंने देखा भैया नाव तो चलाया फिर गया नहीं कि, देखा अब देखो देखे होंगे नाव में एक लोहे की जंजीर रहती है, और उसको उसको नीचे एक बहुत बड़ा जैसे कांटा जैसे रहता है, उसको नीचे गाड़ देते हैं जैसे नाव इधर उधर जैसे चले नहीं, लेकिन उन्होंने वो नंगर उसको कहते, उसको उन्होंने उठाया नहीं, उसको नहीं उठाया, नहीं उठा करके रात भर उसने नाव चलाई, रात भर नाव चलाई, और नाव वहीं घूमते रहे, वहीं घूमते रहे, और सवेरे देखा नाव जहाँ के। तो प्रभुपाद ये कथा को द्वारा प्रभुपाद ये कह रहे हैं, बोले हम भक्ति तो करते हैं, भजन तो करते हैं, बोले भैया नंगर किया है जो नीचे को उठाए ना किया, बोले ये संसार की आसक्ति, ये माया की जो आसक्ति है कभी यही नंगर है, हैं जब तक उसको नहीं निकालोगे, फिर नाव चलाएंगे ना, नाव चलाते 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 देखेंगे नाव जहाँ के तहाँ वहीं, सबर देखोगे रात भर तो परिश्रम किया लेकिन नाव थोड़ी सी भी चली नहीं, नाव जहाँ के तहाँ है। इसलिए यहाँ पर मेरे गुरुदेव कहते देखो पहले है ना, हम बद्ध जीवी है, माया संसार भोग करते करते आए, इसलिए पहले हम लोगों को भजन करना बड़ा कठिन, मन को देखना भजन करना बड़ा कठिन, हम सुनते हैं रुचि आसक्ति निष्ठा, हम बोलते हैं सुनते ना धीरे धीरे भक्ति बढ़ती है, लेकिन आप देखोगे जहाँ के तहाँ खड़े हुए, जो हरिनाम लेकर माला लेकर नींद आ जाती है, नहीं तो माला लो तो सारा दुनिया की चिंतन होता है, सारा दुनिया की, बोले इसका कारण है क्या, बोले कारण है हमारी अभी संस्कार नहीं है, हमारी अभी संस्कार नहीं है, इसलिए क्या करनी चाहिए हमें, पहले अपना संस्कार किधर, पहले किधर, इसलिए पहले हमें अपना संस्कार को अच्छे तरह से अपना संस्कार को बनानी चाहिए, हैं जब तक संस्कार नहीं बनेगी तब तक भजन होने वाले नहीं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान का जो नाम कीर्तन तो यही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जो नाम को द्वारा ही एक दिन भगवत प्राप्ति होगा, तो नाम को द्वारा ही प्राप्ति होगा। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कौन कितने बड़े वैष्णव, तीन तरह का है, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम, तीन तरह का वैष्णव है, लेकिन वैष्णव पहचानने का लक्षण क्या है, हम जो कहते ना ये उत्तम वैष्णव, ये मध्यम वैष्णव, ये कनिष्ठ वैष्णव, वैष्णव तीन तरह का, लेकिन वैष्णव को पहचानने का लक्षण क्या है, तो भक्ति विनोद ठाकुर इसका उत्तर देते हैं, जो जितने शुद्ध मात्रा में हरि नाम कर रहे हैं वो उतना ही बड़ा वैष्णव है, जो जितना हरि नाम को जो जितने शुद्ध रूप में हरि नाम कर रहे हैं उतना बड़ा वैष्णव है, क्योंकि उसका जो माप काठी है, उसका जो माप काठी हरि नाम संकीर्तन है। इसलिए
इसलिए जो कनिष्ठ वैष्णव किसको किसको बताया, बोले जो कभी कभी हरि नाम करता है, कभी कभी। कहते मध्यम वैष्णव कौन है, जो 24 घंटा में 24 घंटा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जो 24 घंटा में 24 घंटा हरि नाम करता है, कहते वो कौन सा वैष्णव, वो मध्यम वैष्णव है। बोले उत्तम वैष्णव कौन है, बोले जिनको दर्शन मात्र से ही, हाँ केवल दर्शन मात्र से ही मुंह में अपने आप कृष्ण नाम आ जाता है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि जो हरिनाम संकीर्तन ही यही सर्वश्रेष्ठ रूप में हरिनाम का ही जय जयकार हो। मतलब एक दिन ये हरिनाम ही क्या करेगा, हमें भगवान तक कौन पहुंचाएगा, ये हरिनाम ही अंतिम तक भगवान हमें नाम ही हमें पहुंचाना वाले हैं। इसलिए कहते हैं ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, झट आ गए घनश्याम, साड़ी खेचत हारा दुशासन, साड़ी बढ़ाए श्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम। इसलिए भगवान से बढ़कर के भगवान का नाम। इसलिए कहते ये कहते गौड़ीय मठ का जो उपास्य है, उपासना क्या है, भगवान का नाम ही, यही एक उपासना है। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, हरि नामाश्रय करी जतन तुमी ठाकह आपन काजे। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, हरि नामाश्रय करी जतन तुमी, बड़े जतन पूर्वक हरि नाम को आश्रय करते हुए ठाकह आपन काजे। मतलब दूसरे काम में रहो, किसको द्वारा, हरि नाम को आश्रय करते हुए, हरि नाम को आश्रय करते हुए अपना काम करो। लेकिन मुख्य रूप में क्या करो, हरिनाम को आश्रय करते हुए अपना काम करो, हरिनाम करते हुए सारे काम करने चाहिए, क्योंकि यही हमारी परम उपास्य हरिनाम ही है। इसलिए भागवत में नाम की बड़ी बड़ी महिमा, भागवत में बड़ी बड़ी महिमा नाम की आई है। इसलिए कहती है प्रभुपाद का कितना नंबर उपदेश है, कहती है पंचमा नंबर उपदेश है। देखो इनके प्रभुपाद का उपदेश में, एक एक उपदेश में इतना सब कुछ बताए, आप एक उपदेश को अगर व्याख्या करोगे ना, आप जिंदगी भर उसको व्याख्या करते रह जाओगे, ये खत्म होने वाले नहीं। ये एक एक जो उनका उपदेश है ना, समझो एक उपदेश में सब कुछ उसके अंदर भी है, ऐसे कोई चीज नहीं जो उसके अंदर में है नहीं, सब कुछ उसके अंदर में। जितने व्याख्या करोगे, तुम्हारे अंदर में जितने हृदय में जितना धन है ना, सब उससे निकालते रहो निकालते रहो। उसका जो छठवां नंबर उपदेश है, बोले कीर्तन मुखे ही श्रवण है एवं स्मरण र सुजग उपस्थित है, सही काले ही अष्टकालीय सेवार अनुभूति संभव। इसलिए कहते जो अष्टकालीय लीला, अष्टकालीय लीला जानते हो, जैसे आठ पीरियड है, हैं? जैसे आठ तरीके छब्बीस, आठ पीरियड है, और एक पीरियड को जैसे तीन तीन भाग में विभक्त होकर आठ तरीके कितना 26 होता है, 26 घंटा पूरा दिन भर के 26 घंटा, जैसे आठ पीरियड मतलब समझ रहे कि नहीं, उसमें होता है जैसे सवेरे निशांत लीला है, सवेरे कैसे कृष्ण राधा कृष्ण कैसे सोर विश्राम कर रहे हैं, मंजरी सखियां कैसे नहा धो करके तिलक करके आए, कैसे सुंदर कमल फूल खिला हुआ है, बेली चमेली जुई कैसे फूल खिली हुई है, हैं चारी तरफ में उसको सुगंध से चारी तरफ आमोद हो रहा है सुगंध से, बड़ा सुंदर भीनी भीनी, और गोपी मंजरी आ करके क्या कर रहे हैं, राधा कृष्ण जो विश्राम कर रहे हैं उनको जगा रहे हैं, जगा करके क्या कहते हैं, कहते मंगल श्री गुरु गौर मंगल मुरारी मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल प्रीति मंगल निशांत लीला
मंगलाय मंगलारती जाजे भक्त हृदय। जैसे ठाकुर को जगा रहे हैं, सखी मंजरिया ठाकुर को जगा रहे हैं, लेकिन उसमें कितना घंटा चल, 3 घंटा, लेकिन उसमें 3 घंटा चली जाती है। इसलिए ये एक जाम हो गया, 8 जाम है ना, एक जाम 3 घंटा केवल वही करते करते 3 घंटा बीत गया। राधा कृष्ण कैसे जगे, अपना कपड़े को कैसे पहने, राधा रानी कैसे जावट चली गई, कृष्ण कैसे चले गए नंद भवन में चले गए, 3 एक उसको कहते निशांत। निशांत मतलब नई से मतलब होता है रात, अंत मतलब अभी रात बीता, अभी सवेर आया, रात बीत गया अभी सवेर आया। इसलिए ये एक जाम, उसको बाद में दूसरा जाम, फिर 3 घंटा। इसलिए कोई कोई जाम 3 घंटा, कोई कोई जाम 2.5 घंटा, लेकिन कोई कोई जो जाम है 8 भाग में विभक्त किया, कोई कोई हो गया 4 घंटा भी हो जाता है। बोले 4 घंटा कब होता है, कि जब ये राधा कुंड में, जब राधा कृष्ण दोनों मिलते हैं अपना सखी मंजरियों के साथ में, जब उसमें जल विहार करते हैं, उसमें मधुपान करते हैं, दोला में झूला झूलते हैं, कभी उन्होंने नाव में बैठ करके कृष्णा नदी पार कराते हैं। कभी वो समय ना, जो दोपहर का समय वो थोड़ा ज्यादा, वो दोपहर का थोड़ा ज्यादा समय है, ज्यादा समय सबसे जो मध्याह्न लीला है, सबसे ज्यादा आनंद है मध्याह्न लीला, उनका राधा कृष्ण का मिलन को थोड़ी सी ज्यादा समय है। समझ गए कि नहीं, उसमें 8 जाम होता है, 8 3 24 होता है ना, कोई जाम थोड़ी सी कम, तो थोड़ा ज्यादा। इसलिए ये प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, एक दिन क्या होनी चाहिए, भगवान का लीला चल रही है, भगवान की लीला कर रही है। जब हम हरिनाम करते हैं, हरिनाम करते हैं, हरिनाम करते 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 जब हृदय हमारे शुद्ध हो जाएगा, हृदय में किसी तरह का काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जब हृदय में नहीं रहेगा, कोई अनर्थ नहीं रहेगा, असत तृष्णा भगवान की चिंता छोड़कर कोई दूसरा चिंता, हृदय दुर्बल अपराध तत्व भ्रम, हम जो भूल जाते हैं भगवान को, कोई अपराध, जब ये सब चीज से पूरा संपूर्ण खत्म हो जाएगा, सारे नाम अपराध तुम्हारी रहेगी नहीं, फिर क्या होगा, तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी का जो लीला है ना, अपने आप हृदय में है। अभी तो चिंतन करने का जरूरत है, उसी समय टीवी में जैसे सीरियल देखते हैं ना, कोई सीरियल आती है टीवी में, उसी समय अपना हृदय में जब ये शुद्ध नाम होगा, हृदय में अपने आप स्मरण करते ही ठाकुर का सारे लीला एकदम क्रम पाए, धीरे 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 सारे हृदय में लीला तुम्हारी प्रकट हो, सुंदर सुंदर लीला दर्शन करो ठाकुर जी, हाँ टीवी में जैसे सीरियल देखते हो, प्यारी प्यारी लीला ठाकुर का दर्शन करोगे, हाँ प्यारी प्यारी लीला दर्शन करोगे। कहते ये कब होगा स्थिति, अभी तो जब नाम करते अपना लीला ही आता है, तो लीला करते ना उसमें ठाकुर का लीला नहीं आता, अपना लीला, हमारे किसको साथ में क्या क्या किया नहीं किया, किसको साथ में हमने घूमा, किसको साथ में खाया, कब जीवन में क्या, अपना लीला आती है, है? अभी ठाकुर का लीला नहीं आती, क्यों, हमारे हृदय अभी अनर्थग्रस्त है, हृदय हमारी अनर्थग्रस्त। इसलिए वो कब आएगा, वो आएगा कब, वो तभी आएगा, तब प्रभुपाद इसका क्रम बता रहे हैं। प्रभुपाद बोले कीर्तन मुखे श्रवण है, जब कीर्तन हम करेंगे, बोले कीर्तन मुखे श्रवण है, हम जो श्रवण करेंगे भगवान की कथा कीर्तन को साथ में, हाँ भगवान कीर्तन को नहीं छोड़ देनी चाहिए, चलो सुने 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 भगवान का नाम जब किया, इसे नहीं सुनने के साथ भगवत कीर्तन भी करनी चाहिए, और जब श्रवण करेंगे फिर क्या होगा, धीरे 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 स्मरण का सुजोग उपस्थित है, पहले कीर्तन उसके बाद में फिर श्रवण, हैं श्रवण फिर कीर्तन, उसके बाद में जो सुनेंगे जो कीर्तन करेंगे वही फिर क्या होगा, वही तुम्हारी स्मरण होगा, फिर वही स्मरण होगा, स्मरण होने पर कहते सही काले ही, जब धीरे 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 भगवान की कीर्तन करते करते कथा सुनते सुनते हृदय जब धीरे धीरे निर्मल हो जाएगा ना, जब हृदय धीरे धीरे निर्मल हो जाएगा फिर क्या होगा, भगवान की कथा फिर जो सुनोगे और जो बोलोगे वही तो स्मरण होगा ना, फिर भगवान की लीला धीरे 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 स्मरण होगा, जब ये स्मरण होगा कहते सही काले ही अष्टकालीय सेवा अनुभूति संभव है, तब भी जा करके भगवान की जो 8 कालीय जो सेवा है, अष्ट जो जाम सेवा, तब भी जा करके उसमें प्रवेश कर सकते हो। ऐसे नहीं घर से आए
हरि नाम किया कर किया ही नहीं, सेवा किया ही नहीं, भगवान की कथा सुना ही नहीं, कुछ नहीं किया, बोले नहीं हमको तो मंजरी बनना, राधा रानी की हमें मंजरी बनना, राधा रानी की हमें सखी बनना है। बस गए किसी किसी बाबा जी ने हैं कि सहजिया ने, बोले देखो तुम्हारी एकादश भाव है, ये एक 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 संप्रदाय, एक सहजिया संप्रदाय, वो जाते ही ना क्या करते हैं, वो जाते हैं कहते तुम्हारी ये नाम है, ये निकुंज का तुम्हारी ये नाम है, और तुम्हारी ये वस्त्र है, और तुम्हारी ये सेवा है, हैं ये तुम्हारी सेवा है, कहते तो एकादश भाव होता है, 11 चीज होता है, एकादश भाव होता है। अभी तुम्हारी अनर्थ निवृत्त नहीं हुआ, अभी संपूर्ण माया में डूबे हुए, बस ये सब चीज देते, बोले बात तो स्मरण करने लगो, तुम्हारी ये वस्त्र है, तुम्हारी ये उम्र है, ये तुम्हारी सेवा है, ये तुम्हारे नित्य सिद्ध नाम है, उसको स्मरण कर सकते। लेकिन ये चीज कब होता है, ये चीज तभी होता है, ये गुरुदेव कहते थे जब आसक्ति की अवस्था है, जब सारे अनर्थ निवृत्त हो जाए, रुचि निष्ठा आसक्ति अवस्था में थोड़ी सी इसकी अंकुर होता है, थोड़ी सी भाव होता है, और भावावस्था में जाकर के वो कली रूप धारण करता है, वो कली रूप धारण करता है, हैं? जो कोई कली आ जाए ना तो पता चलता है उसमें फूल आने वाले हैं, हैं? उसमें फूल आने वाले हैं। उसको बाद में फिर जो गुरुजी ऐसे होनी चाहिए, हमारे गुरुदेव भी ऐसे होनी चाहिए जो कि तुम्हारी भावना को समझते हुए है, फिर गुरुजी उस सिद्ध अवस्था को प्रदान करते हैं, तुम्हारी ये नाम, तुम्हारी ये सखी का नाम, तुम्हारी ये वस्त्र, तुम्हारी ये उम्र, इसी उम्र में ठाकुर तभी जागरण देते हैं, हाँ समझो एक तरफ PhD है, अभी ए भी लिखना सीखा नहीं, बी भी लिखना आता है नहीं, आवाज सीखना भी सीखे नहीं, अभी से तुम बोल दिया, बोले नहीं प्रभुपाद कहते नहीं, कहते नहीं ये स्थिति अभी तुम्हारी है नहीं, अभी तुम तो ABCD तुमने सीखा ही नहीं, और तुम अभी PhD का दर्द लेकर बैठ गए हो। इसलिए गुरुदेव बोलते थे कोई कोई साधक राधा कुंड में जाकर बैठ जाते, कहते राधा रानी तो अभी साक्षात दर्शन दे, बोले राधा रानी असली राधा रानी नकली राधा रानी के दर्शन हो गए, गुरुदेव बोलते थे नकली राधा रानी दर्शन हो गए, फिर एक राधा रानी को लेकर तू भागोगे फिर है, और एक राधा अपना राधा को लेकर तू फिर भागोगे। इसलिए कहते इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये अनर्थग्रस्त अवस्था में ये स्थिति नहीं, ये अनर्थ निमुक्त होने का बाद, अनर्थ से मुक्त होने का बाद फिर वो सब चीज आती है, गुरु भी ऐसे होता है, स्थिति भी ऐसे होती है, हैं? इसलिए प्रभुपाद के तब भी जाकर के ये चीज तभी प्रकट होगा। इसलिए बताए बोले हरि नाम करते करते बोले एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कृत्वा जातानुराग द्रुत चित उच्चै असत्यत रोद तिरौति लोक बाज्य कृत, सब उसमें कह रहे हैं तो वो स्थिति कब आएगी, बोले एवं व्रतः, टाइम हो गया जाने का, कहते एवं व्रतः मतलब अपना जीवन का व्रत क्या बना लो, बोले जीवन का व्रत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जीवन का व्रत हरे नाम, जीवन का व्रत ठाकुर का सेवा, जीवन का व्रत बन गया जो एवं व्रतः, बोले कौन क्या चीज की, बोले सो प्रिय नाम कृत्वा अपना प्रिय नाम, कहते अपना प्रिय नाम क्या है, दूसरे दूसरे संप्रदाय में अलग अलग नाम है, कोई कहते हैं ओम नमः भगवते वासुदेवाय, किसी में श्री कृष्ण शरणम मम, किसी में राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, किसी में ये बोलते हैं, लेकिन हमारे संप्रदाय में अपना प्रिय नाम क्या है कि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम, ये हमारी प्रिय नाम स्वप्रिय नाम करता, बोले क्या होगा हरि नाम करते 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 पहले तो नाम में रुचि नहीं होगा क्योंकि हमारा अनर्थग्रस्त था, फिर क्या करो रुचि नहीं होने पर जोर जबरदस्ती करो, आदर करके प्रीति पूर्वक पहले हरि नाम करो, हरि नाम करते करते जब उसमें रुचि आने लग जाएगी ना, रुचि उसको फल किया है, बोले द्रुत चित उच्च, फिर उसी समय हरि नाम करने पर आंखों से आंसू बहने लग जाएगी, हृदय तुम्हारी प्रेम में गदगद हो जाएगी, लेकिन अभी ठाकुर का नाम लेने से हृदय गदगद नहीं होता, आंखों से आंसू नहीं आती, फिर क्या समझो हमारी बहुत अपराध है, हमारी बहुत अपराध है, तभी ये स्थिति नहीं आती। इसको करते 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 हृदय जब शुद्ध हो जाएगा क्या, जाता अनुराग, फिर हरिनाम अच्छा लगेगा,
इच्छा करेगा कब भगवान का नाम जप करे, कब ठाकुर का नाम जप करे, सब कम समय मिले। हम हमें समय मिले तो हम टीवी खोलकर बैठे, सीरियल खोलकर तीन तीन घंटा तो बैठ कर देख लेंगे, लेकिन हरिनाम करने के लिए बोला ना, बोले भाव हरिनाम कैसे करेंगे, हरिनाम में रुचि नहीं होता। लेकिन उसी समय क्या होगा, कैसे हमारा समय थोड़ा निकले और बैठ करके हम हरिनाम करें, हरिनाम करें, हैं हाथों में सेवा करो और मुंह में भी ठाकुर का नाम करते रहो, ठीक है ना। पर दूसरा पर हसत दिया था, जब ये स्थिति आ जाएगी ना रुचि, फिर हृदय तुम्हारी साफ हो जाएगी, फिर तो ठाकुर का लीला तुम्हारे हृदय में टीवी में जैसे सीरियल में आती है ना, सुंदर सुंदर लीला प्रकट होने लगी है। फिर कभी लीला को देख रही, कभी हंसोगे, कभी रोओगे, कभी नाचोगे, बस पागल होकर के बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे नाम संकीर्तन की जय, सचिनंदन गौर श्रीमन महाप्रभु की जय, निताई गौर ब्रह्मानंद। चलो अब कहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है ओके चलो, बहुत धन्यवाद। कल है जो कल है ना, कल है वहाँ पर, कल टाइम पर आ जाना, कल तो बेल बने, बेल बने।